कश्मीर में सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाक पोस्ट तबाह। अभिनेता अनुपम खेर ने जम्मू कश्मीर के स्कूल जलाए जाने को बताया नया आतंकवाद। ओवैसी ने कहा बीजेपी चुनावी फायदे के लिए ट्रिपल तलाक को बना रही है मुद्दा। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 क्विंटल गांजा जब्त, मौके से भागे तस्कर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। दिल्ली प्रदूषण के कारण अगले 3 दिन तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। मराठा क्रांति मुक्त मोर्चा की मुंबई में होगी अंतिम रैली। आईएस आतंकियों को इराकी पीएम ने दी चेतावनी। बगदाद के फिदायीन हमलों में करीब 18 लोगों की मौत। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से लोगों में रोष।